जिंदाबाद जिंदाबाद आपने नेता देखता चाहिए, चंदन कुमार देखता चाहिए, चूल्हा जिंदाबाद। परिवार का सदस्य है और मानव सेवा ही हमारा उत्तम धर्म है। मैं मानव सेवा और आने वाले कल युवाओं के लिए विधानसभा क्षेत्र में तक्षशिला महाविश्वविद्यालय, मानव मठ, किसान मठ। गौराबोराम विधानसभा क्षेत्र दरभंगा 79। आपको बता दें कि दरभंगा के गौराबोराम विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवार लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं किसी के पास 5 गाड़ियों का रैली, किसी के पास 4 गाड़ियों का रैली, किसी के पास बहुत सारे गाड़ियां, बहुत सारे लोग शामिल हैं। लेकिन चंदन मिश्रा निर्दलीय उम्मीदवार, जिनके पास सिर्फ दो साइकिल पर 3 लोग और इसमें से एक छोटा सा बच्चा, देख सकते हैं छोटे बच्चे उनके परिवार के ही 2 लोग हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार चंदन मिश्रा अपना यहाँ पर उम्मीदवारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार कर रहे हैं, साइकिल पर ही अपना पर्चा लेकर घूमते हैं और जिंदाबाद का नारा खुद ही लगाते हैं। देख सकते हैं सभी लोगों से वो बात कर रहे हैं कि मैं आपका बेटा हूं, इस क्षेत्र का बेटा हूं और मुझे वोट दें। लेकिन विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। इनसे जो बात हुई है, चंदन मिश्रा से जब बात हुई तो उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको अब दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं वो कैसे खड़ा होकर अपना पर्चा लोगों को बता रहे हैं। कैसे क्या कर रहे हैं? साइकिल से कर रहे हैं, गरीब हैं, पैदल चलते हैं, सेवा करते हैं। मानव सेवा ही हमारा धर्म है। विकास के लिए हम इस क्षेत्र में तक्षशिला महाविश्वविद्यालय, मानव मठ, किसान मठ, गौशाला, अनाथ आश्रम की स्थापना करूंगा। जी, और क्या मतलब क्षेत्र को लेकर के आप नामांकन में भी आपको हम देखे थे, क्या आप लोगों को कह रहे हैं, कैसे वोट मांग रहे हैं आप लोग? हम मांग रहे हैं वोट इस हिसाब से जो हम गरीब हैं, गरीब गुरबा की भलाई करेंगे। अति पिछड़े जो भी है हमारे भाई, मानव सेवा के लिए मैं उसके कार्य में तात्पर रहूंगा। क्या स्थिति है आपके क्षेत्र की, क्या करना चाहते हैं आप क्षेत्र में विकास? हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए तक्षशिला महाविश्वविद्यालय बनाएंगे, मानव मठ खोलेंगे, किसान मठ खोलेंगे, गौशाला खोलेंगे, अनाथ आश्रम खोलेंगे। इन सभी कामों को करेंगे। तो अभी खैर मौजूदा जो स्थिति है, चुनाव है अभी, क्या आपके क्षेत्र में विकास हुआ या नहीं हुआ? जो लोग पहले के थे वो विकास किए कि नहीं? नहीं, ये रोड सड़क तो एकदम आप लोग देख ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जैसा रोड है वैसा ही रोड है। कोई रोड का तो परिवर्तन नहीं हुआ है 15 साल में, जैसे के तैसे पड़ा हुआ है। जैसे के तैसे ना तो यूनिवर्सिटी खुला, ना तो स्कूल खुला, स्कूल भी बहुत कम खुला है। जहाँ तहाँ स्कूल की आवश्यकता है, कॉलेज की आवश्यकता है। गरीब बच्चे दरभंगा में जाके पढ़ते हैं, वो माँ बाप कहाँ से लाएंगे? ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र गौराबोराम कोसी बेल्ट से लेकर और कमला बेल्ट तक सब बाढ़ पीड़ित क्षेत्र ही है। थोड़ा बहुत बीच में गांव है जिसमें बाढ़ नहीं आता है, नहीं तो 90% गांव में बाढ़ की समस्या सबसे अति उत्तम है। हम विकास में सबसे पहले कन्हई धार को सुपौल धार में मिलाना चाहते हैं, जिससे कि यहाँ की 10-20 गाँव का जो है सो कम से कम 10,000 हेक्टेयर जमीन का विकास हो सके उस धार से। और ये बताएं कि साइकिल से कितने किलोमीटर चल जाते हैं, एक दिन में कितने किलोमीटर चलते हैं? साइकिल से हम कम से कम 30 किलोमीटर चलते हैं, 40 किलोमीटर चलते हैं। अच्छा, 40 किलोमीटर टर्न ओवर रहता है। जैसे 30 किलोमीटर गए तो 30 किलोमीटर आना भी है वापिस। अच्छा, तो 60 किलोमीटर हो गया। अच्छा, मतलब 60 किलोमीटर एक दिन में, एक दिन में टर्न ओवर कर लेते हैं। कौन कौन से लोग रहते हैं आपके साथ? हमारे साथ कोई भी एक पर्सनल एक आदमी रहता है जो हमारा हिस्सेदार है। अच्छा, ग्रामीण का क्या साथ मिल रहा है कि नहीं, गांव वाले का साथ मिल रहा है कि नहीं? पूर्ण योगदान है, इसीलिए हम खड़े हैं ग्रामीण का। क्या और क्या जनता का भी मांग है हमारे हिसाब किताब में, हमारी वेशभूषा पे वही बोलते हैं कि आप जैसे ही नेता मुझको चाहिए। क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहते हैं मेरे माध्यम से? हम क्षेत्र के लोगों से यह कहना चाहते हैं कि आप कम से कम एक कॉलेज, एक महाविश्वविद्यालय, एक मानव मठ, किसान मठ और अनाथ आश्रम की स्थापना कर लीजिए। क्या नाम हुआ? चंदन कुमार मिश्रा। क्या है? हम MLA प्रत्याशी हैं गौराबोराम 79 विधानसभा से। निर्दलीय उम्मीदवार। घर कहाँ है आपका? घर हमारा 80 है। गांव 80 है? 80 है। पंचायत? पंचायत भी 80 है। इस कौन से जगह पर अभी हम लोग खड़े हैं? अभी ये मखनाहा है। ये सड़क कहाँ पर गया, जिस सड़क से आप आ रहे हो वो कौन सा सड़क? सुपौल से भंथा, भंथा से मखनाहा, मखनाहा से कन्हे। ये रोड ऐसे ही, सभी सड़कों का यही हाल है। यही हाल सब दिन रहता है, अगर एक बार बना भी दिया तो साल दो साल में ऐसे ही हो जाता है।